वाकई बहुत टेस्टी है। चलो खाओ एंजॉय करो। स्वादिष्ट। थम्स अप। थम्स अप। हेलो व्लॉग, गुड मॉर्निंग। एक आज बेहतरीन फ्राइडे का दिन है। ये वाला ना वीकेंड फ्राइडे फ्राइडे लग नहीं रहा, क्योंकि पीछे भी ऐसे कल छुट्टी थी, तो वो थोड़ा एक बीच में मिड वीक छुट्टी होती है ना, तो पूरा सिस्टम बदल जाता है। आज टेक्निकली एक सैटरडे या संडे होना चाहिए था, बट एनीवे टुडे इज फ्राइडे। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, वर्क डे है। नाश्ता खा रहे हैं, दिखाता हूँ क्या है नाश्ते में। ओ जी, ये ब्यूटीफुल सी प्लेट लगा ली हमने। ये कबाब बनाए थे कुकिंग पाजी के लिए, जिसकी वीडियो आप देख चुके होंगे। वो है मम्मा ने सोया आलू का पुलाव बनाया था, न्यूट्री आलू का। थोड़ा सा दही लिया है। ये छोले जो खाए थे चाची के घर पे एकदम मस्त वाले, वो थोड़े से लिए हैं। और साथ में है टू एंजॉय विद पुलाव, दो पापड़ जिसमें से थोड़ा सा मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी। और ये खीर, भाई ज़बरदस्त गाढ़ी गाढ़ी खीर, एकदम मस्त। बाहर की मौसम की अपडेट ये है कि अभी तो क्लियर स्काई है, बट दिल्ली का मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई। ये आधे घंटे में ही ऐसी ज़बरदस्त बारिश हो सकती है कि सारे कपड़े उतारने पड़ सकते हैं। सुबह सुबह कामाक्षी ना काफ़ी जल्दी निकल जाती है, तो दरवाज़ा वगैरह बंद करता हूँ, थोड़ा कभी कभार हेल्प वगैरह करवाता हूँ, तो वो सब चीज़ें करवाने में नींद खुल जाती है। अब मैं आजकल ना पिछले कुछ दिनों से रात को लेट सो रहा हूँ, लाइक 3, 3:30, 4 बजे, तो अभी मेरे को नींद नहीं आ रही। भूख लग रही थी तो मैंने बोला चलो खाना वाना पड़ा है, खाना वाना खा लेते हैं। अब आज काम वगैरह निपटाना है, और कुछ काम है जो मुझे 1 बजे से पहले तक करना है, तो मैं अभी काम वगैरह निपटाता हूँ एंड एक आफ्टरनून नैप लूँगा। फिर आई थिंक 2 से 5 या फिर ऐसे टाइप का एक आफ्टरनून नैप टाइप सा लूँगा। मौसम ऐसा है ना भाई, खतरनाक वाला, कोई भरोसा नहीं है क्या हो रहा है। I'll keep you guys updated. पनीर भुर्जी वाली पनीर की स्टफिंग और पोड़ी और डोसा जो थोड़ा सा मैंने खा लिया, और उत्तपम डिलिशियस घी पोड़ी वेजिटेबल उत्तपम और घी पोड़ी डोसा क्रिस्पी, वेरी वेरी नाइस। What is happening? सब पकड़े गए। क्या क्या हो रहा है मम्मा? ये बड़ा सा चूहा आ गया था हमारे घर में, उसने ये खा लिया। बड़ा नहीं, छोटा? छोटा छोटा वो नहीं खाता, वो छोटे ने खाया। ये वाली चीज़ वही खाता छोटा। चलो चल, क्या रहा है? पापा के ज्वार की रोटी, डोसा उत्तपम बनाए हैं मेरे, डोसा तूने बनाया, उत्तपम भाभी ने बनाए हैं, घी पोड़ी। सुबह सुबह एक बहुत टेस्टी बना था। चलो नाइस, ओके। आज मेरा फाइनली मॉनिटर भी फिक्स हो रहा है। हाँ, और बस 1 मिनट में बेल बजने वाली है, बस बेल बजने वाली है। एलजी, थैंक यू एलजी। लेट लतीफ गाय, एलजी मींस लेट लतीफ गाय। थैंक यू एलजी, 2.5 महीने में आपने ये ठीक करवा दिया। चलो, देर आए दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है। पूरा कर रहे, रिप्लेस कर रहे, क्या कर रहे? पूरा पैनल चेंज कर रहा है। वेरी गुड, पूरा मदरबोर्ड, पूरा पैनल, सब कुछ। सैमसंग से तो एलजी अच्छा रहा। वही मैंने व्लॉग में ना पूछा था, तो अच्छा। क्या इज इट गुड कि 2.5 महीने में पूरा पार्ट चेंज कर रहे हैं, या फिर मतलब वो है? इस मामले एलजी सर्विस तो बेटर है, क्योंकि वो आ तो गए थे और वो होता है वारंटी में तो कर देते हैं, बट 2.5 महीने लगा दिए उन्होंने। 2.5 महीने वो एलजी करो, सैमसंग की सर्विस तो सैमसंग की देखी हमने। वारंटी नहीं दी तब क्या कर सकते। चलो ठीक है, अब वो पूरे पैनल चेंज कर देगा भाई। उसके अंदर वो कह रहा है कि ये रहा मॉनिटर, एक सेकंड, ये मॉनिटर को ऊपर रखता हूँ मैं। मदरबोर्ड की दिक्कत है? नहीं नहीं, इस मॉनिटर में अब जो है ना, इस मॉनिटर में ये वाला जो पार्ट है बस, ये सेम रहेगा। अंदर से मदरबोर्ड चेंज कर दिया, केबल्स चेंज कर दी, बाहर से आज पैनल चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस मॉनिटर में सिर्फ ये रहेगा, बाकी सब चेंज। फ्रेम बचेगा, बाकी सब चेंज। मतलब एट दिस पॉइंट आई थिंक एलजी को पूरा नया मॉनिटर देना सस्ता पड़ता है ना, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलो ठीक है, हमें काम से मतलब है। हाँ ठीक है, सब आने वाला होगा बंदा, कह रहा गेट पे था। हेलो, यार टेस्टी बड़ी, यहाँ तक खुशबू आ रही है खाने की, वो ना घी की खुशबू जो है ना, जो ज्वार की रोटी में जो घी पड़ रहा है ना, ओए दैट खुशबू एंड द अरोमा ऑफ दैट अचार आल्सो, एंड नहीं सबसे ज़्यादा आई थिंक ठेचा, ठेचा इज़ वेरी प्रोमिनेंट। ठेचा विद घी इज़ मेकिंग अनदर सिम्फनी।
उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करनी होती है यही में नहीं तारीफ नहीं करनी होती खुशबू पता क्यों आ रही है क्योंकि घी शुद्ध देसी घी घर का बनाया हुआ देसी घी घर का हाँ भाई घर के घी के मजा तो होता है घर के घी की जो खुशबू होती है ना वो अनमैचेबल होती है वो बहुत कम जो है बाजार के घी जो मिलते हैं बहुत कम में आती है चलो खाओ एंजॉय मेरा पार्ट रिप्लेस हो रहा है किसी जमाने में पता नहीं मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना छत्ता दारा सिंह जी उसकी ऐड करते होते थे या फिर पंजाब में भी का था अच्छा हाँ चलो खाओ एंजॉय भी वो बात नहीं थी एंजॉय योर फूड यार मेरे ना मॉनिटर में क्या दिक्कत आई थी उसमें ना अलग अलग सॉलिड कलर्स आ रहे थे कभी ग्रीन कभी ब्लू कभी ब्लैक वो वाइट ऐसे ऐसे तो फिर वो ठीक करा उन्होंने फिर पैनल में एक दिक्कत आने लग गया पैनल चेंज हो रहा है नमक मिर्च वाली परांठी में ना ये भी डाल देना प्लेट में थोड़ा सा वो ना जो नमकीन पीछे वाली नमकीन दी थी ना वो सील गई थी बढ़िया सी एकदम करारी करारी वाली ट्राइंगल परांठी ओके ट्राइंगल परांठी ओके गुड चलो आई एम सिटिंग फटाफट ले आना हेलो जी आज का TGIF का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है अब कल हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और मुझे लाइव स्ट्रीम बिल्कुल भूल गया कैसे करते हैं तो वो चीज़ बैठ के रिसर्च करनी है खाना खाना है और पराठी बन चुकी है आपको दिखाते हैं कैसे मिलती है नमक शमक डाल देते हैं बस बस खाना खाने के चक्कर में इतना सारा नमक ये क्या है ये इतनी सारी मिर्च करेले खाई जा रही है हाँ डाल दे अजवाइन को कैसे डालते हैं क्रश करके हाथ से ऐसे अजवाइन को ऐसे करके डाला जाए करेले का पीस और ये तोड़ी जाए बाइट करेले घर में एक बार बनते हैं साग घर में एक बार बनता है और फिर तीन चार दिन चलते हैं क्या भाई मतलब चलने को उससे भी ज़्यादा चल सकते हैं पर चलाने नहीं देते घर वाले सब करेले के साथ परांठी रोटी आह मज़ेदार टेस्टी बनिया कहाँ पे खानी है बहुत टेस्टी बनिया नमक मिर्च वाली ट्राइंगल परांठी मेरा पेट भरा हुआ है मैंने ज्वार की रोटी भी खाई वो दो बार खा लिया मैंने पहले भाभी ने खिला दिया फिर बाद में एक बार वो खिला दिया तो ये वाली बाइट खा ले बहुत टेस्टी है नमक मिर्च वाली तू खा ले हेलो क्या है खाने में आपके हाँ जी खाने में क्या है हमारे खाने में है रोपड़ के छोले पापा ने पहले अपने दिमाग में 2 सेकंड मिली सेकंड सोचा कि मैं कुछ ऐसे करूं फिर पापा ने बोला नहीं यार छोड़ ये पिक्कू को ही करने देता हूं नॉर्मल सच्चाई बता देता हूं नहीं मैं क्यों गलत बोलूं भाई क्यों बोलूं कुछ आपने सोचा कुछ ऐसे बोलने का पर नहीं खुराफा तो ये हो गई कमाक्षी यार तू बेटा तूने बोला तो सुन नहीं ले मेरे दिल की बात क्या हुआ कि भाई मैं ना जैसे होता है ना लोगों की क्रेविंग होती है ना मेरे साथ भी हुआ मैं ऐसे ना कुछ काम में बिजी था वो भी कितने बजे सुबह 5 बजे कितने बजे 5 बजे तड़के 5 बजे पिक्कू का वो पुराना वाला सबसे पुराना वाला वीडियो जो फर्स्ट इसने बनाया था ना करण और सैनी गए वो आए नहीं करण और वो सैनी नहीं वो मयंक जोर नहीं होता अच्छा, जो भी अच्छा वो दो फ्रेंड्स हाँ, मैंने अंदाजा लगाया क्योंकि दोनों आए नहीं करण का तो इसने बोल भी दिया ये करण कुरन ऐसे करके तो गाड़ी में पीछे बैठे थे ना तो ये वो थ्रो हो गया रोपड़ का फिर मैंने देखा इसके ऐसी चब्बी चब्बी सी गाले बड़ा देख के मेरे को ना मजा आ रहा था 5-6 साल पुरानी वीडियो है हाँ 5 साल पुरानी तो उसमें फिर इसने उसमें एड्रेस भी डाला हुआ है जो सबसे पुरानी वीडियो में लोग बोलते हैं ना रोपड़ का एड्रेस क्या है इस वाली में भी डाला हुआ भाई नहीं इस वाले में भी डाला फिर मैंने उसे फिर जाके चेक करा डिस्क्रिप्शन में फिर मैंने पूरा वीडियो देखा वो थ्रो हो गया और देखते देखते मुंह पे आ गया पानी तभी मैंने सोच लिया मैं कह यार कल ऐसे करेंगे कल या परसों में ना छोले खाएंगे तो आज फिर वो ऐसे हो गया तो मैं कर रोपड़ के छोले खाएंगे तो वीडियो देख के मन में वो जैसे कहते ना एक्टिवेशन क्रेविंग हो गई तो, और वो भी सुबह 5 बजे तो मैंने कहा भी आज ऐसे करेंगे आज नहीं आज मैंने एक्चुअली सैटरडे का सोचा था लेकिन आज कुछ माहौल ऐसा बन गया कि मैं कहा चलो फिर आज ही खा ले शुभ रात्रि शीघ्र ये था लाइव एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसिंग चलो लॉल चलो इसी बात पे अब आए हैं रोपड़ के छोले
यार 5 साल पहले ना वो कैमरा अलग होता था, रील रोल होती नहीं थी, 1080p में वीडियो होती थी। तो लास्ट ईयर हमने रोपड़ की 4K में वीडियो बनाई थी। कभी कभार हम लोग बीच बीच में ये करते रहते हैं। दिमाग में एक बात आई, बताओ, जो कि कामाक्षी ने है घुसाई, लेकिन मेरे भी दिमाग में आए थे। क्या? कि इसीलिए लोग कहते हैं कि ट्रैवलिंग पारी का वीडियो जल्दी डाल दिया करो, कि भाई हमारे पास भी तो ऑर्डर करने का टाइम रहे, देख के मन में मुंह में पानी आ जाता है। भाई कामाक्षी ने घुसाई, लेकिन मेरे दिमाग में भी वो आई थी, लेकिन बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है। भाई जल्दी जल्दी डाल दिया करो। आपसे निवेदन है कि आप व्यस्त समय में से समय निकाल के थोड़ा ट्रैवलिंग पारी पे भी ध्यान दीजिए। रोपड़ भाई जो भी है ऑल टाइम फेवरेट है मेरे। चलो मसाला रोपड़ का, वाकई बहुत टेस्टी। चलो खाओ, एंजॉय करो, स्वादिष्ट। थम्स अप थम्स अप।